ये हम सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने मानो सब बर्बाद कर रखा है। कोरोना ये वायरस इतना खतरनाक है कि मानो जिन्हें कोरोना हो रहा है उसके बचने की उम्मीद ही खोती जा रही है। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन, दवाई, डॉक्टरों, कर्मचारियों की कमी हो गई है। ऐसी भयानक स्थिति आ चुकी है कि इससे छुटकारा कैसे पाएं ये समझ नहीं आ रहा है। जानलेवा कोरोना की ऐसी लहर में अपनी जान जोखिम में डालकर जहां डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं वहीं उन पर लोग उंगली भी उठा रहे हैं। आज नागपुर छावनी स्थित वीनस हॉस्पिटल में ऐसा ही कुछ देखने मिला है। बता दें कि गत कुछ दिन पहले छावनी स्थित वीनस हॉस्पिटल में एक 46 वर्षीय महिला कोरोना के इलाज के लिए एडमिट हुई, जिसका आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो उनके परिजनों ने हॉस्पिटल पर हंगामा कर दिया, डॉक्टर को खरी खोटी सुनाई। परिजनों ने हंगामे को इतना बढ़ाया कि स्थानीय पुलिस अधीक्षक को पुलिस फोर्स के साथ आकर परिजनों को समझाना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सब हंगामे से परिजनों को क्या मिला? क्या उनका मरीज फिर से जीवित हो गया? नहीं ना। तो फिर क्यों करते हैं लोग हॉस्पिटलों पर हंगामा, ये समझ नहीं आता। ऐसे ही परिजनों द्वारा हॉस्पिटलों और डॉक्टरों पर हमला होता रहा, तो कोरोना जैसी महामारी में आज जो ये डॉक्टर्स ही हमारी सेवा में आगे आए हैं, यही सब पीछे हो जाएंगे, तब क्या होगा? क्या कभी किसी ने ये सोचा है? अब ये सोचने का समय आ गया है। हमारा यह खबर दिखाने का मकसद लोगों को जागरूक करना है कि लोग समझदार बने और ऐसा हंगामा ना करें। कोविड कोरोना काफी सीरियस बीमारी है, मॉर्टेलिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ही जल्दी 5-7 दिन में पेशेंट की डेथ हो जाती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले, और पेशेंट लेट भी पहुंच रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर हमारे पास सीरियस पेशेंट आता है और हम लोग उसको ट्राई करते हैं फिर भी उसकी डेथ होती है, तो हम लोग पॉजिटिवली ही ट्राई कर रहे हैं, उसको बचाने का ही कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग मार रहे हैं, ऐसा ब्लेम करना तो गलत रहेगा। हॉस्पिटल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत ही डिस्करेजिंग है। पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल आया है हमारे पास, और 2 दिन से क्रिटिकल ही थी, 40-50% सैचुरेशन था, और हम लोग कंसर्न तो ले ही रहे थे, उनको बता रहे थे टाइम टू टाइम। बट डेथ होने के बाद में पेशेंट के रिलेटिव्स काफ़ी अग्रेसिव हो गए और पूरा ब्लेम हॉस्पिटल में दिया है। पेशेंट जब डे 1 को आए तभी उनका सैचुरेशन 45 था, और हमने उनको ऑन रिक्वेस्ट यहाँ पे बेड दिए, और हमने उनको डे 1 को ही ये बता दिए थे कि वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्यूपाइड है वेंटिलेटर, बट उन्होंने कहा कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट रखिए। ऑन रिक्वेस्ट हमने उनको रखे और उनको कंडीशन डे 1 को एक्सप्लेन करके हमने साइन भी ले चुके थे, बट उनका बोलना कल जो कंडीशन थी कि हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ही कम इसमें आया था, तो हमने उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट करके हम कहीं और शिफ्ट करने का प्रोसीजर कर रहे थे, बट उनका बोलना था कि हम यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकते, हम अपना ही सिलेंडर लाएंगे, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट रखिए। हमने उनको बोले कि इन केस अगर हमारे यहाँ सिलेंडर अवेलेबल नहीं हुआ, तो उन्होंने बोले कि हम अपने सिलेंडर्स लाएंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बस अपना ट्रीटमेंट कीजिए। बट एनी हाउ सिलेंडर्स उनके ख़त्म हुए, लेकिन हमने अपने भी सिलेंडर्स उनको प्रोवाइड किए लास्ट तक। लास्ट में हमारे ही 2 सिलेंडर्स चल रहे थे उनके पास सपोर्ट के लिए, और उनको लास्ट में वेंटिलेटर भी लगाए हैं हमने। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिए, वेंटिलेटर नहीं प्रोवाइड किए, या हमने अपना सिलेंडर्स प्रोवाइड नहीं किए लास्ट मोमेंट में। हमने सभी अपने तरफ से जितने एफर्ट्स लगाना था सब लगाए। हम डे नाइट यहाँ वर्क कर रहे हैं, बट अभी पेशेंट्स भी इतने रेज्ड हो गए हैं, इंक्रीज्ड हो गए हैं, और मॉर्टेलिटी भी बढ़ गई है। बट उसमें अगर डॉक्टर्स हम ऑन रिक्वेस्ट पेशेंट रख भी रहे, हम ये सोच के रख रहे हैं कि पेशेंट बाहर डेथ नहीं होनी चाहिए, घर पे डेथ नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट हम कुछ तो सर्विस प्रोवाइड करें उनके लिए, बिकॉज थोड़ा सा भी सर्विस अगर हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वी आर डॉक्टर्स, हम डिनाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं चाहेंगे कि पेशेंट को सर्विस नहीं मिला और घर पे ही डेथ हो गई या बाहर ही डेथ हो गई, एटलीस्ट उस पीरियड में जब तक हम उनकी जान बचा सकते हम तो वो एफर्ट्स करेंगे ही ना, हम वो एफर्ट्स किए भी, बट उसके बाद भी अगर ये सब चीज़ें होना, तो फिर हम डॉक्टर्स भी रिस्क फैक्टर में ही हैं, हमको क्या करना चाहिए फिर? पेशेंट का बिल एक्चुअली हमने अभी निकाले नहीं है, हमने उनको बिल भी नहीं दिए, और उनका फार्मेसी का बिल ऑलमोस्ट 25,000 का बिल पेंडिंग है। देन ऑल्सो हमने उनको प्रेशर नहीं डाले कि आप अपना बिल पे कीजिए तब जाके हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। हमने अपने सारे मेडिसिन अपने फार्मेसी से प्रोवाइड किए हैं सारे, और लास्ट में जो इमरजेंसी ड्रग्स रहते हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं।